तो इसका मतलब क्या है कि आपको बुद्धि के आत्मा से, परमेश्वर के भय के आत्मा से, परमेश्वर की समझ के आत्मा से परिपूर्ण होना है, तभी हम परमेश्वर के जीवन के वृक्ष के फल को जो स्वर्ग में लगा हुआ है उसको खा सकते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से दूसरे खंड में है 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। हम बात कर रहे हैं एफेसुस के बारे में। जी हाँ, एफेसुस की कलीसिया का 11वां जो पॉइंट है उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जीवन के वृक्ष के बारे में, और सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7वें पद को। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके कानों वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। सबसे पहली बात है कि उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है उसमें से जो है फल खाने की बात हो रही है। पृथ्वी पर जो जीवन का वृक्ष का फल पेड़ जो लगा था आदम की वाटिका में, वहां उस पेड़ की बात नहीं है। हम स्वर्ग में जो पेड़ लगा है उसकी बात हो रही है। सबसे पहले हम सीखेंगे पेड़ या वृक्ष जो है उससे हम क्या समझते हैं, इसकी उपमा जो है किससे दी गई है, किससे कंपेयरिंग कराई गई है, इसके विषय में पहले सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सब पद पढ़ाऊंगा नहीं, मगर मैं आपको बस पॉइंट्स दूंगा, आप पॉइंट को लिखते रहिएगा। भजन संहिता 104 और उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। देखिये, ये किसको दर्शाया जाता है? ये परमेश्वर की इज़राइल प्रजा को दर्शाया जाता है। ये परमेश्वर के जो इज़राइली लोग हैं उनके बारे में कहा गया है। परमेश्वर जो है उनको बताता कि देवदार यानी देवदारू जो पेड़ हैं, जो वृक्ष जिनको कहा गया, ये लबानोन में होते थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के ये पेड़ होते थे। इनमें राल जो थी वो होती थी, इसलिए इनमें फर्नीचर और जहाज जो थे वो इन्हीं पेड़ों से बनाए जाते थे, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक जो है वो रहते थे और ये कम से कम 200 वर्ष तक जो है वो लगे रहते थे और कोई भी हानि नहीं होती थी, कोई सड़ान नहीं होते थे और बहुत लंबे लंबे और ऊंचे होते थे। तो इन पेड़ों से जो कंपेयरिंग की गई है, उपमा दी गई है, वो इज़राइल प्रजा की जो है वो दी गई। और भी बहुत से रेफरेंस है, ढेरों रेफरेंस जो है देवदार के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, भविष्यवाणियों में पढ़ लीजिएगा, जो भविष्यवाणी की गई है वो इज़राइल प्रजा के लिए देवदार पेड़ के को लेकर की गई है। बहुत सी चीजें हैं जो इसमें दी गई हैं। दूसरा है भजन संहिता 92 और उसका 12वां पद जब पढ़ेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर दो पेड़ है कि धर्मी लोग किसके समान, खजूर के पेड़ के समान क्या होंगे, फलते फूलते रहेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। यहां पर फिर से लबानोन के देवदारों की बात चर्चा हुई है कि वो उसके समान बढ़ते रहेंगे, खजूर के समान बढ़ने, लंबा चौड़ा पेड़ होता है और ऊपर तक जो है उसका फल जो है लगा रहता है। धर्मी लोग खजूर के समान होंगे, फूले फलेंगे जो है, और खजूर जो है जब आप अरब कंट्री का जो है ये मुख्य फलों में गिना जाता है और इस ये जो है मेडिसिन के भी काम आता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा जो होता है, बहुत अच्छा होता है। और जो अरब कंट्री हैं और हमारे देश में भी जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो अपना रोजा जो है इसी के फल खाकर जो है, खजूर खाकर जो है वो तोड़ते हैं। मैं आपको एक दृष्टांत जो है पेड़ों के बारे में बताना चाहूँगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं न्यायों की पुस्तक जो है वो निकाल लीजिए। जी हाँ, न्यायों की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसके 8 वचन से जो है वो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके अंदर जो है पेड़ों के बारे में एक दृष्टांत दिया गया है। मैं इसका पहले 8वां पद आपको पढ़ देता हूँ, न्यायों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 8वां पद। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा कि तू हम पर राज कर। 9 पद, तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकार होकर इधर उधर डोलने को चलूं। अब देखिए यहां पर क्या है,
यहाँ पर अब पेड़ तो किसी का अभिषेक करने जाते नहीं है। सीधी सी बात है कि पेड़ जो थे वो अभिषेक करने गए कि तू हम पर राजा बन, उसे किसी पेड़ को वो राजा बनाने के लिए गए और कि तू हम पर राज कर और हमारा राजा बन जा। इसका मतलब है ये लोगों की बात हो रही है, जो पेड़ों से जो कंपेयरिंग की गई है वो लोगों से की गई है, यहाँ पर पेड़ की बात की गई है। और यहाँ पर जो है जैतून का वृक्ष जो है वो जब 9 अध्याय का 8-9 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि चिकनाहट को छोड़कर क्या कहते हैं परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान होता है। देखिए चिकनाहट का मतलब क्या होता है, तेल से संबंधित बात है। जब तेल की बात होती है तो तेल का संबंध जो है वो परमेश्वर से और लोगों से दोनों के बीच में होता है। जी हाँ, परमेश्वर ने बहुत से तेल को जो है खासतौर से जैतून के तेल को बनाने की बात कही है, जिससे जो था जो दिए में जलाया जाता था और दिए में वो तेल जो है वो डाला जाता था और सांझ से लेकर सवेरे तक दिया जो था परमेश्वर के पवित्र स्थान में जलता रहता था। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तू उपवास करे तो सर पर तेल मल। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जो है तेल, परमेश्वर का वचन तेल के बारे में बहुत कुछ बताता है। और फिर जब आप याकूब की पत्री को उसके 5 अध्याय को 13 पद से पढ़ेंगे, यदि तुम में कोई रोगी है तो वो प्रचीनों को बुलाए, वो उसके सर पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वासी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। देखिए दोनों का आदर मान सम्मान दोनों होता है कि मनुष्य जो है जब बालों में तेल लगाकर और अच्छा जाड़ों में देखते हैं बहुत से लोग, अब तो क्रीम वगैरह बहुत सी चल गई, पहले लोग जो थे वो तेल वगैरह का यूज बहुत करते थे। तो तेल जो है वो एक आदर का प्रतीक है। वो क्या कहता है कि ये ऐसे लोग हैं, जैतून का पेड़ जो है वो लोग हैं जिससे जो है जिनके जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर का भी आदर होता है और लोगों को भी आदर मिलता है। ये वो लोग हैं जिनके जीवन से परमेश्वर भी सम्मानित होता है, आदरमान होता है और मनुष्यों का भी होता है। कहता है मैं अपनी चिकनाहट को छोड़कर जो आदर मेरे द्वारा परमेश्वर को मिल रहा है, जो आदर लोगों को मिल रहा है, वो छोड़कर मैं राजा बन के डोलूं और इधर उधर चलता फिरूं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। देखिए परमेश्वर के लोग जो हैं वो कभी भी ऊंचा पद पाने की इच्छा नहीं रखते हैं कि मुझे ये पद मिले ना मिले, बस वो परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का आदर होता रहे और परमेश्वर के लोगों का आदर होता रहे, वो सिर्फ इतना चाहते हैं और इसलिए उसने मना कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहूंगा, बस मैंने आपको बोला है न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय निकालेगा। अब न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय का 10 और 11 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है अंजीर का वृक्ष है। अब अंजीर के वृक्ष के पास गए कि हमें तू हमारा राजा बन जा। अब अंजीर का वृक्ष क्या कहता है कि मैं अपने मीठेपन और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर जो हूं तुम्हारे पीछे डोलूं। यानी मीठेपन का मतलब क्या होता है, अच्छा स्वभाव, और अच्छे अच्छे फलों का मतलब होता है कि मेरे अंदर जो अच्छे गुण हैं उन गुणों को छोड़कर। ये वो व्यक्ति हैं जिनका स्वभाव बड़ा मीठा होता है, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, जो स्वभाव के बहुत अच्छे लोग होते हैं और उनसे लोग प्रभावित होते हैं, उनके स्वभाव से प्रभावित होते हैं, उनके साथ बैठना उनसे बातचीत करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा है। और दूसरी चीज, एक क्वालिटी और अंजीर के वृक्ष के समान जो लोग हैं उनमें पाई जाती है कि उनके गुण, उनके अंदर जो गुण होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पवित्र आत्मा के गुणों से भरे होते हैं वो। जी हाँ, पवित्र आत्मा का फल का मतलब होता है, फल का मतलब होता है गुण, गुणों से भरे होते हैं। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को वो कहता है, बहुत उत्तम बात कहता है। फिर कहता है दाखलता, जब आप इसका 12 और 13 पद पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 9 का 12-13 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो उसको कहते हैं कि तू हमारा राजा बन जा, मगर वो भी मना कर देता। क्यों मना कर देता, कि नए मधु परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है जिससे, ठीक है, नए मधु का मतलब आप इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे वाइन शब्द का प्रयोग किया गया है। जी दाखलता का मतलब देखिए, अब हम लोग वाइन क्या होता है, अक्सर लोग जो होते हैं वाइन को शराब कर लेते हैं, उससे शराब बनाने वाली बात नहीं, दाखरस यानी अंगूरों के रस को जो है वो नया मधु या दाखरस या वाइन कहते हैं। वाइन शब्द का प्रयोग इंग्लिश में वाइन कहते हैं, अंगूरों के रस को जो है वाइन शब्द का प्रयोग किया गया है, मगर यहाँ लोग जो होते हैं वो शराब से लगा लेते हैं। ये नहीं, ये चीज गलत है, बहुत सी चीजें गलत जो है हमारे जीवन में आती हैं। ये
वो लोग हैं जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों को आनंद होता है। परमेश्वर क्या होता है, ये ऐसे लोग हैं जो दाखलता के पेड़ के समान है, ये ऐसे लोग हैं जिनसे जिनके जीवन से परमेश्वर आनंदित होता है, जिनके कामों से परमेश्वर आनंदित होता है, और मनुष्य भी जिनके कामों से और जिनके जीवन से आनंदित और बहुत प्रभावित होते हैं। अब वो प्रभावित हो रहे हैं, आनंदित होते हैं, लोग उनके साथ बने हुए। अब राजा बन जाएगा तो लोग कहाँ उनके साथ जुड़ेंगे, लोग कैसे उनके साथ बने रहेंगे? तो वो कहता नहीं, मैं इन चीजों को छोड़कर जो हूं मैं नहीं जा सकता। इसी तरीके से जो स्वर्ग में जो पेड़ लगा हुआ है उसको भी, जो जीवन के वृक्ष है, मगर इससे पहले मैं जीवन के वृक्ष के बारे में बात करूं, मैं एक पेड़ के बारे में और बात करूंगा, जलबेरी का पेड़। जलबेरी का, जब आप न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 14-15 पद पढ़ेंगे, वहां जलबेरी के पेड़ से कहते हैं कि भाई तू हमारा राजा बन जा। वो झाप फौरन तैयार हो जाता है, हाँ ठीक है मैं राजा बनने को तैयार हूं, मगर मेरी देखो एक शर्त है। क्या शर्त है? लिखा, आग निकल कर अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो मेरे से आग निकल कर क्या होगी, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। ये जलबेरी के पेड़ बहुत है आज दुनिया में, बहुत मिलेंगे जिनके जीवन से आग निकलती है, जिनके मुंह से आग निकलती है, और जने उनके मुंह से उनके जीवन से आग निकलकर जने कितने घरों को फूंक डाला उन्होंने, जने कितने जीवनों को बर्बाद कर दिया है। ये ऐसे लोग हैं, बहुत से मिल जाएंगे ऐसे बहुत से लोग जो प्रभुता करते हैं। नहीं साहब, हमारा ऊंचा पद होना चाहिए, हमें ऊंचा पद मिलना चाहिए, जो अपने आप को बहुत ऊंचे पे ले जाते हैं और हमेशा जो है दूसरे के जीवन को, दूसरे के परिवार को, दूसरे लोगों को बर्बाद करने पर ही तुले रहते हैं, ये वो पेड़ है। मगर जो जीवन के वृक्ष का पेड़ है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के लिए जो है क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जीवन है। लिखा, जीवन के वृक्ष के रहस्य को समझेंगे, मगर पहले ये जान लें कि जीवन का वृक्ष का फल जो है कैसे प्राप्त होता है, हैं? जैसे हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ा था, जो जय प्राप्त करे वो क्या है, परमेश्वर कहता है कि जो जय प्राप्त करेगा उसको जीवन के पेड़ में से खाने को मिलेगा। और पिछले संदेश में हमने ये इस बात की चर्चा करी थी कि जय कैसे प्राप्त की जाती है। जी हाँ, तो पिछले से जो संदेश दिया गया है उसको देखिए, उसको सुनिए और जय प्राप्त कीजिए और जीवन के पेड़ में से फल खाइए और आनंद लीजिए। और लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय उसका 18वां पद, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है। देखिए, बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं। अब यदि हम परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कर ले, अब बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, परमेश्वर का भय मानना जो है वो बुद्धि का आरंभ है, यानी बुद्धि का मूल है। यानी जब आप जीवन के वृक्ष के फल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जीवन के वृक्ष के फल के पास जा सकते हैं, जब तक आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे और जब तक आपके अंदर परमेश्वर की वो बुद्धि, वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप जीवन के वृक्ष के फल को नहीं खा सकते हैं। फिर है नीति वचन 1 अध्याय उसके 7 पद और अय्यूब 28 और उसका 28 पद, यहां लिखा, प्रभु का भय मानना बुद्धि है। जी हाँ, देखिए, प्रभु का भय मानना ये बुद्धि है। दूसरी एक बात और भी लिखी हुई है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। जब हम बुराई से दूर रहते हैं और बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो हम, प्रभु हमें अधिकार देता है जीवन के वृक्ष के पास जाने का और उसके फल खाने का, जो है हमें अधिकार प्राप्त होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यशाया 11 अध्याय उसका जब 2 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर 7 आत्माओं का जिक्र है। 7 आत्माओं में वहां पर बुद्धि का भी आत्मा है और समझ का भी आत्मा है और प्रभु के भय का भी आत्मा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बुद्धि के आत्मा से, परमेश्वर के भय के आत्मा से, परमेश्वर की समझ के आत्मा से परिपूर्ण होना है, तभी हम परमेश्वर के जीवन के वृक्ष के फल को जो स्वर्ग में लगा हुआ है उसको खा सकते हैं या परमेश्वर हमें देगा, और तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा वही जीवन के पेड़ के में से खाने पाएगा, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। फिर है नीति वचन 11 अध्याय उसके 30 पद में, धर्म का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। देखिए, धर्म का जो प्रतिफल है वो जीवन का वृक्ष होता है। अब धर्म का प्रतिफल मिलता किसको है? देखिए, धर्म का प्रतिफल क्या है, धर्म क्या है, जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद, कि उसके धर्म और उसके राज की जो खोज करता है, जो उसके धर्म की खोज में लगा हुआ है, जो उसके राज की खोज में लगा हुआ है, उसका प्रतिफल उसको मिलता है। और प्रतिफल जिसको मिलता है वो कहां पहुंचता है, जीवन के वृक्ष के पास पहुंचता है। यहां लिखा ना कि धर्म का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है,
जी हाँ, जीवन के वृक्ष के पास जाने का जो है वो मौका मिलता है, क्योंकि उसके पास क्या आ गया, उसके पास जीवन आ गया और बहुतायत का जीवन आ गया, एक ना खत्म होने वाला जीवन आ गया। इसलिए जब उसको जीवन मिला तो वो किसके पास पहुंचा, जीवन के पास पहुंचा। कौन से जीवन के पास, बहुतायत के जीवन के पास जो है वो पहुंचता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है। इसलिए होशे क्या कहता है, होशे 10 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, देखिए मैं कुछ मेन पॉइंट ही पढ़ा रहा हूं। अपने लिए धर्म का बीज बो, देखिए यहां लिखा है परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने लिए धर्म का बीज बो। अब धर्म का बीज अपने लिए बोना है, किसी दूसरे का लिए नहीं। हम हमेशा दूसरों के लिए बीज बोते रहते हैं, हम अपने लिए तो बोते नहीं है। और इसलिए जो धर्म का बीज बोता है और जो धर्म की खोज करता है वो प्रतिफल पाता है, धर्म का प्रतिफल पाता है, और वो जीवन का वृक्ष जो है वही बात उसके लिए जीवन का वृक्ष जो है वो ठहरती है। और फिर नीति वचन 13 उसके 12 पद में लिखा है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब वे जीवन का वृक्ष लगता है। कौन सी लालसा है, देखिए किसकी लालसा, जब हम प्रभु की इच्छाओं को पूरा करते हैं। लिखा ना, जब आप मती 7 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहते रहते हैं, हर एक कोई परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश करेगा, बल्कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है, उसकी लालसाओं को पूरा करता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। और जब हम उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो जो हमारी इच्छा है जीवन के पेड़ में से खाने की, परमेश्वर हमारी इस इच्छा को जो है वो पूरी करता है, जब हम परमेश्वर के, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष ठहरती है। फिर नीति वचन 11 के 23 में है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध होता है। देखिए किससे लालसा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो है धर्मियों की लालसा किसकी होती है, भलाई की। जब हम भले कामों में लगे रहते हैं, जब हम भलाई करते रहते हैं और भले काम की लालसा हमारे अंदर जागृत रहती है, जब उसको करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, जीवन का वृक्ष ठहरती है। और इसलिए हम जीवन के वृक्ष के पास पहुंच सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को कह रहा है। दूसरी चीज, नीति वचन 15 का 4 जब पढ़ेंगे, शांति देने वाली बातें जीवन का वृक्ष है। कौन सी बातें, हम इस पृथ्वी पर होकर ये जो चीजें पढ़ाई जा रही नीति वचन से, खासतौर से इन सब बातों को इस पृथ्वी के ऊपर पूरा करना है, तभी वो जीवन के वृक्ष के फल के पास हम पहुंच पाएंगे। और शांति देने वाली बात है, क्या हम किसी के घर में शांति देते हैं या आग लगाने का काम करते हैं? क्या बहुत से लोग जो है शांति की बातें कम और आग लगाने की ज्यादा करते हैं। हमें शांति की बातें करना, हमें वो शांति देना है जो प्रभु छोड़ गया है। प्रभु कहता ना, मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, ठीक है? तो वो शांति हमें लोगों तक पहुंचानी है, प्रभु की शांति जो है लोगों तक पहुंचानी है। परमेश्वर का जो वचन इस बात को कह रहा है, और ये सारी चीजें जो हैं हमें करनी है। वो शांति की बातें कौन सी हैं? जब आप पहला थसलुनीकियों 4 उसका 16 से 18, पहला थसलुनीकियों 5 और उसका 8 से 11 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सी शांति की बातें हैं। शांति के परमेश्वर के बारे में बात है, और कहता है कि जब प्रधान स्वर्गदूत आएगा तुरही फूकी जाएगी, और हम जो प्रभु में हैं, जो सोए हुए हैं वो प्रभु में पहले जी उठेंगे, और हम जो प्रभु में जीवित हैं उस समय जीवित बचे हुए होंगे और प्रभु में होंगे वो बादलों पर आसमान पर उठा ली जाएंगे। तो वो कहता है इन बातों के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। तो ये बहुत सी शांति की बातें हैं जो हमें करनी है। आप पढ़ लीजिएगा पहला थसलुनीकियों 4 और उसका 16 से 18 तक, पहला थसलुनीकियों 5 उसका 8 से 11 तक, कि कौन सी शांति की बातें जो है हमें लोगों तक पहुंचानी है और लोगों को देना है। जीवन का वृक्ष जो है वो यीशु मसीह है। वो कौन सा वृक्ष है जिसमें जीवन की झलक दिखाई देती है या जीवन छिपा हुआ है, वो कौन सा वृक्ष है? ये बहुत समझने वाली बात है। जब आप यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे, देखिए निकाल लीजिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। देखिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता कौन है, प्रभु यीशु मसीह, यानी उसे दाखलता कहा गया है, जो उसके अंदर क्या है, जीवन है। अब कैसे उसके अंदर जीवन है, चलिए इस पद को भी हम देख लेते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप निकाल लीजिए मती और उसका 26 अध्याय मेरे साथ निकालिए, मती 26 अध्याय और उसका 27 और 28 पद पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है यहां पर और क्या संदेश है उसका। यहां लिखा हुआ है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है,
किसका, किस चीज का कटोरा उठाया जा रहा है? दाखरस का, यानी अंगूरों के रस का जो कटोरा है वो उठाकर क्या कह रहा है कि तुम इसको पियो, क्योंकि ये क्या है, ये मेरी वाचा का वो लहू है। वो कहता है कि ये लहू है और तुम इसको पियो। अब लहू में क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये जीवन का वृक्ष है कौन सा, ये भी हमें समझना है। हम कहते हैं जीवन का वृक्ष है, जीवन का वृक्ष है, सब है कौन सा वो वृक्ष, ये भी तो हमें समझना है। फिर लिखा हुआ है, जब आप लैव व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है जीवन जो है वो लहू में है। जी हाँ, जीवन कहां पर है? जीवन लहू में है। और इसलिए जब जीवन लहू के अंदर है, इसलिए यीशु मसीह ने अपने लहू की एक एक बूंद मेरे और आपके लिए बहा दी, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और इसलिए पहले जो बलिदान हुआ करते थे वो इसलिए बलिदान हुआ करते थे क्योंकि लहू में जो था वो जीवन था। और महायाजक जो था वर्ष में एक बार महापवित्र स्थान में लहू लेकर जाता था। जी हाँ, लहू लेकर जाता था, क्योंकि लहू में क्या था, लहू में जीवन था। और ये इन चीजों को समझना जो है वह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि आप जब उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि लहू क्या करता है, लहू पुकारता है। वो कहता है ना, तेरा हाबिल का लहू, तेरे भाई का लहू जो है भूमि से मुझे पुकारता है। तो लहू जो है पुकारता, क्यों पुकारा, क्योंकि उसके अंदर जीवन है। और यहां पर जब इब्रानियों 12 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो वह हाबिल के लहू से क्या कह रहा है, उत्तम बातें कहता है, यानी उत्तम बातें कह रहा है, यानी जीवन है तभी तो। और इसलिए जब लहू में जीवन है तो लहू लहू से बातें कर रहा है, यानी यीशु का लहू, यीशु के लहू जो है वो हाबिल के लहू से बात कर रहा है। अब यहां पर एक बात और भी है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। जैसा हमने यूहन्ना 15 अध्याय का पहला पद पढ़ा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, यीशु मसीह को अगर वो ये कह देता कि दाखलता मैं हूं, तो हम सब इस बात को मान जाते कि वो सच्ची दाखलता वही है, उसको सच्ची शब्द लगाने का जरूरत ही नहीं थी। मगर यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो सच्ची दाखलता मैं हूं इस बात को उसने स्पष्टीकरण करा है, तो इसका कोई ना कोई रीजन है। रीजन इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन में झूठी दाखलता भी है। अब आप कहोगे हमने झूठी दाखलता के बारे में कभी नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा हो, मगर मैं आज आपको एक और दाखलता के बारे में बताना चाहूंगा कि आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 14वें पद से लेकर 20 पद तक, मगर मैं पूरा पद नहीं पढ़ूंगा, आप अपने घर में बड़े आराम से पढ़ लीजिएगा। 18वां पद जो है वहां से मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। देखिए पृथ्वी की दाखलता, ठीक है, अब 19 पद है, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिए और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और उस रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। अब देखिए यहां पर क्या है, सच्ची दाखलता, यानी यीशु मसीह ने जब अंतिम भोजन अपने चेलों के साथ किया तो उसने दाखरस का कटोरा लेकर क्या कहा, ये वाचा का मेरा लहू है। देखिए वो भी लहू है वहां पर, और यहां पर जो है पृथ्वी की जो दाखलता है, इस दाखलता के जब गुच्छे तोड़े गए तो और परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे में डाले गए और जब वो रौंदे गए तो उसमें से भी लहू निकलने की बात हो रही है। तो दाखलता किसको दर्शाया जाता है, अंगूरों को, अंगूरों के रस को कंपेयरिंग जो की गई है वो लहू से की गई है। और यहां पर जो है, यहां पर लहू से जो कंपेयरिंग की गई है वो है। अब सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5 पद में क्या लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। अब ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा कि मैं दाखलता हूं तुम डालियां हूं। अब बड़े समझने की बात है, इसका मतलब क्या है, हम दाखलता की डाली है यदि हम सच्चाई के साथ हैं, तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, और अगर हम उसकी डाली नहीं है तो हम सीधे सीधे पृथ्वी की दाखलता की डाली, यानी झूठी दाखलता की डाली है।
और जो परमेश्वर के प्रकोप के कुंड में डाली जाएगी और रौंदी जाएगी। ध्यान दीजिएगा यहां पर। और यदि हम मसीह की दाखलता है, यीशु मसीह कहता ना कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां, जब हम डाली हैं तो फल कहां लगते हैं? डाली में। पत्ते कहां लगेंगे? डाली में। यानी कहने का मतलब है कि जो फल होने चाहिए, जो पत्ते होने चाहिए, लिखा ना जीवन के वृक्ष के पत्तों में से जो है, पत्ते जो है वो किसके काम आएंगे? चंगाई के काम आएंगे। तो पत्ते भी डालियों में लगते हैं और फल भी डाली में लगते हैं। और अगर हम डाली हैं तो वो फल हमारे अंदर होना चाहिए। फल का मतलब क्या है? लहू जो है, लहू का मतलब यानी वो जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि हम लगे कहां हैं? हम जीवन में लगे हुए हैं। जब हम जीवन में लगे हैं तो हमारे अंदर जीवन है, क्योंकि हमारे अंदर क्या पनप रहा? जीवन पनपता है। जी हाँ, जीवन पनपता है। और ये बहुत ही बड़ी अनोखी और अद्भुत बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है, देखिए मैं आपको दो पद जो है पढ़ाना चाहूंगा। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ एजिकल 47 चैप्टर और 12 वर्स है। यहां पर यहां लिखा है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे, यानी दवाई के काम आएंगे। और यहां प्रकाशित वाक्य 22 के 2 में लिखा हुआ है, 22 के 2 में लिखा है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। देखिए एजिकल के अंदर जो भविष्यवाणी की गई है वो प्रकाशित वाक्य के अंदर आकर पूरी होती है, यानी जो पेड़ लगा हुआ है, जीवन का पेड़ जो है, ठीक है, यानी सच्ची दाखलता जो है उसके अंदर हम लोग लगे हैं। तभी तो एफिसियों में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था एफिसियों 5 अध्याय और उसका 26 और 27 पद, कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करना चाहता है। तेजस्वी यानी पवित्र हो, जिसमें कोई झुर्री, कोई कलंक, कोई भी ना हो, बल्कि निर्दोष और पवित्र हो। हमें इस तरीके से पवित्र बनना है जो अपने आप को पवित्र करे हुए निष्कलंक है, जो वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, यानी उस दाखलता की डाली बनकर जुड़ा है, और उस डाली में फल भी लग रहे हैं और पत्ते भी उसके जो हैं दवाई का काम कर रहे हैं, वो मैं और आप हैं। देखिए कितनी अद्भुत बात है, यानी हमारा और आपका जो स्वाद है वो लोगों तक पहुंचेगा, हमारे और आपके द्वारा जो है लोग चंगाई पाएंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा, क्योंकि हम जीवन के वृक्ष से जुड़े हैं, जीवन के वृक्ष का जो है एक अद्भुत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसका संबंध सीधे सीधे हमसे जुड़ा हुआ है। और प्रभु के, प्रभु से तो है, प्रभु तो जीवन का वृक्ष है, मगर हम जो है सीधे सीधे प्रभु के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ा करना चाहता है। और जो डाली नहीं फलेगी, बिल्कुल साफ भी लिखा है, जो नहीं फलती है और फल नहीं लाती है उसको काट डालता है और फेंक देता है, वो आग में झोंकी जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि जीवन के वृक्ष में से जो स्वर्ग लोक में है, प्रभु जब हमें वहां पर जोड़ना चाहता है, वहां पर अटैच करना चाहता है, वहां से हमारा संपर्क है, उस पेड़ में से हमें खाने को देता है, यानी खुद हमारी डाली में फल लगे हैं और हम खुद अपने फल को अपने ही द्वारा खाएंगे और उनके पत्तों के द्वारा हमें स्वयं की आत्मिक चंगाई जो है स्वयं मिलती रहेगी। हम कभी भी, वो कहता ना, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी कोई रोग नहीं होगा, तो वो इसी कारण होगा क्योंकि हम फलवंत हो रहे हैं, हमारे अंदर वो पत्ते लगे हैं जो मेडिसिन का काम करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उस जीवन के वृक्ष में से खाने पाएं, मगर उससे पहले जय प्राप्त करें, ताकि जो स्वर्ग में पेड़ लगा है उसमें से खाने पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।